I think it's the best opportunity for the museum professionals to come together, interact and share with each other. Networking का एक बहुत बेहतरीन platform है. पूरी दुनिया में इस वक्त एक culture चल रहा है जो कि conferences का, forums का culture है. I recently participated in Paris Peace Forum 2019, जो कि French government का अपना एक initiative था, and they brought professionals together from all over the world, and that was an effort to find innovative solutions to the common problems. अब अगर हम museum sector की पाकिस्तान के अंदर भी बात करें तो I think है तो सब कुछ museums ही के मुतालिक, regardless के कौन से province का museum है. So I think ये एक बहुत ही brilliant effort है. इसमें museum professionals को लाहौर जैसे खूबसूरत शहर में आने का मौका मिलता है, and for 2 days they can celebrate museums, their efforts, initiatives, new ideas. As far as the role of government is concerned, I think museums के sector की promotion के लिए government का patronage बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये private sector में भी हो रहा है. लोगों के अपने historical, ancestral जो places हैं उनको भी museums में convert किया गया है, लेकिन एक formal sector के तौर पे इसकी recognition बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखें पूरी दुनिया में cultural tourism में museums की एक बहुत नुमाया हैसियत है. अमेरिका में देख लें, और उनके एसोसिएशंस जो म्यूज़ियम्स को डील करती हैं और उनके जो अपना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ म्यूज़ियम्स वो बहुत ज़्यादा है. हर घर में ऐसे आर्टिफैक्ट्स होते हैं. जी बिल्कुल, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आर्टिफैक्ट्स घर के तहत तक एब्सोल्युटली जिनसे एक टाइमलाइन बन जाती है उस घर की या उस एरिया की या उस रीजन की. तो ये अवेयरनेस क्यों नहीं आ पा रही है? आई थिंक एक फॉर्मल अवेयरनेस की कमी बिल्कुल मौजूद है. आई ट्रूली एग्री विद यू, और उसमें पॉलिसी मेकर्स का भी कसूर है, क्योंकि ये एक पर्सपेक्टिव वो है जो कि प्रिजर्वेशन और प्रमोशन दे गो हैंड इन हैंड. आप कुछ प्रिजर्व करते हैं तो आप उसको प्रमोट भी करते हैं, तो ये एक पर्सपेक्टिव पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है. लेकिन आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है. जैसे आज की कॉन्फ्रेंस है उसमें म्यूज़ियम प्रोफेशनल्स बहुत दूर से इकट्ठे हुए, दे टॉक्ड अबाउट म्यूज़ियम्स, और म्यूज़ियम्स का जो दूसरा मतलब है वो यही है कि आप प्रिजर्व करें, प्रमोट करें, और दिस विल गो अ लॉन्ग वे. और आज एक नेशनल म्यूज़ियम्स पॉलिसी का ड्राफ्ट भी शेयर हुआ. वो आई थिंक जैसे हम प्रोविंशियल डिपार्टमेंट से, मेरा जो ताल्लुक है वो इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट से है, तो वी विल डेफिनेटली प्रेजेंट इट टू आवर ओन सेक्रेटरी. हमारी कल्चर की पॉलिसी का ड्राफ्ट भी अप्रूवल की स्टेज पे है, लेकिन आई थिंक वन ड्राफ्ट या वन पॉलिसी इज़ जस्ट नॉट सफिशेंट. और अब पूरी दुनिया में कल्चरल टूरिज़म एक ज़बरदस्त थ्राइविंग सेक्टर है, जो कि मुल्कों की इकोनॉमी इसके ऊपर चल रही है. तो हाई टाइम दैट वी शुड ऑल्सो लर्न. और अभी आई थिंक गवर्नमेंट की बहुत तवज्जो है, जैसे टूरिज़म के ऊपर पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा फोकस रहा है. प्राइम मिनिस्टर साहब भी बहुत मेंशन करते हैं इसको, लेकिन ये सारे डिफरेंट जो साइलोज़ में काम हो रहा है, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इट टुगेदर, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी इसको अपनी प्रायोरिटी के तौर पे लें. मैम आपका जो इदारा है इस वक्त वो यानी एक तरह से इंटेंजिबल हेरिटेज के लिए ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो किस तरह से जक्स्टापोज कर सकते हैं आपका पास्ट एक्सपीरियंस विद टेंजिबल हेरिटेज एंड फ्यूचर एक्सपीरियंस एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस विद इनटेंजिबल हेरिटेज? तो इनको यानी किसी प्लेटफॉर्म पे तो आपका इदारा में बहुत किरदार अदा करता है. बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है. अब नाउ आई एम वर्किंग एज द डीजी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर. अर्लियर आई वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पंजाब आर्ट्स काउंसिल, एंड फॉर सम टाइम आई वर्कड एज द डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम, एंड आई वाज आल्सो द एडिशनल सेक्रेटरी कल्चर. अब ये सब सुनने में डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, बट इन रियलिटी इट इज़ ऑल वन. तो आप कर काम कल्चर की प्रमोशन और प्रेजर्वेशन के लिए रहे होते हैं. तो माई करंट असाइनमेंट इज़ वेरी एक्साइटिंग. इसमें जो एक नोवल फीचर है वो है FM 95, जिस पे फ़िलहाल हमारे 1.5 करोड़ लिसनर मौजूद हैं, और सम टाइम्स नशरियात जो हैं इसकी ट्रांसमिशन दैट गोज़ एज़ फार एज़ अमृतसर इन इंडिया. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टूल जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं. और मेरा ये बहुत एक अपना ब्रेन चाइल्ड है कि हमें रेडियो को यूज़ करना चाहिए फॉर एन इंक्लूसिव अप्रोच, और जितनी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो फ़िलहाल कोई लैंग्वेजेस या और किसी बुनियादों पे डिवीज़न का शिकार है, वी कैन ब्रिंग देम टुगेदर, एंड इट इज़ ऑल अबाउट पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे. थैंक यू सो मच.